बिल्कुल जी, इस वक्त हम शाहदरा के इलाके यूसुफ पार्क के अंदर मौजूद हैं, जहां पे यंग मैरिट वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो सफ़ेद पोश लोगों को जो है राशन के जो बैग्स हैं वो तकसीम किए जाते हैं हर साल। इस साल भी जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा जो ख़ानदानों को जो है वो इन्होंने राशन तकसीम करने का जो है वो बेड़ा उठाया है। और यहाँ पर जो इंचार्ज हैं इनके राशन के, उनसे बात करना चाहूँगा मैं। मुझे ये बताएं कि ये आप सिलसिला कब से जारी रखा हुआ है? जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये हमने आज से 4 से 5 साल पहले ये वाला सिलसिला शुरू किया है, और ये हमने एक 50 या 100 रुपये से ये काम शुरू किया था। और आपस में ये सब स्टूडेंट दोस्त हैं हमारे, इन्होंने 50-50, 100-100 रुपया शुरू किया, और ये हमारे पास इतनी अल्हम्दुलिल्लाह के इतनी हैंडसम अमाउंट हो गई कि आज हम माशाल्लाह 100 से ज़्यादा। जब हम 9 क्लास में थे, मैं और मेरे दोस्त, तो हमने सबसे पहले उस टाइम हम 4 से 5 दोस्तों ने हमने काम शुरू किया वेलफेयर द लोगों की मदद का। ये वहाँ से हम निकले हैं, तो वहाँ से चलते चलते अब 2023 आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 3 से 4 दोस्तों ने ये प्लान किया था ना, उस टाइम हमारी जो पॉकेट मनी में टोटल अमाउंट की ना वेलफेयर काम के लिए, वो करीबन 100 या 200 रुपया थी। और अभी का अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में करीबन हमने 15-20 लाख रुपया फंड जमा करके वेलफेयर कामों में लगा भी दिया। जिसका इंचार्ज हूँ, ठीक है, पिछले तकरीबन 4 साल से मैं ये शोभा संभाल रहा हूँ, ठीक है। और हम तकरीबन हमारे मेंबर, चाहे वो रमज़ान हो चाहे कोई और महीना हो, हम हर रमज़ान में हो या किसी और महीने में हो, हम ब्लड डोनेशन के लिए हमारे मेंबर जाते हैं। और ब्लड जो इसके इंचार्ज हैं, जो राशन तकसीम करने वाली टीम है, ये बकायदा जो स्क्रूटनी करके जो है वो इलाके के गरीब गुरबा तक जो है वो मुस्तहिक गुरबा तक जो है वो राशन पहुँचाने का बेड़ा उठाया हुआ है। बिलाशुबा ये इस इलाके के लिए एक नेमत से कम नहीं है ये जो वेलफेयर फाउंडेशन है। जी,